तो आज के इस लाइव क्लास में हम लोग ICAR IARI टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए आज मैं आप लोगों को दो टॉपिक क्लियर कराने वाला हूँ। पहला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास और दूसरा टॉपिक है जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, जो कि आपके ICAR IARI टेक्नीशियन की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा राष्ट्रवाद का विकास एवं विश्व युद्ध यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। तो सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो फैक्ट है इसमें, सन 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद इटली कई खंडों में विभाजित हो गया। यह आपको ध्यान में रखना है कि 1815 में जब इटली का पतन हो गया था नेपोलियन के पतन के बाद, तो इटली जो है ये कई खंडों में विभाजित हो गया। सन 1821 में इटली के एकीकरण के लिए राष्ट्रवादियों के गुप्त संगठन कार्बोनरी सोसाइटी के सदस्यों ने नेपल्स और पीडमोंट में विद्रोह किए। अगला जो फैक्ट है इसमें, सन 1832 में नवयुवकों में राष्ट्रवाद और विद्रोह की भावना भरने, देश को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से यंग इटली नामक संस्था की शाखाएं खोली गईं। अगला जो पॉइंट है इसमें, फैक्ट इसे बोलते हैं, सन 1849 में पीडमोंट सांडिनिया का राजा बना, उसके तथा काबुर के प्रयत्नों से इटली का एकीकरण संभव हो सका। अगला जो फैक्ट है इसमें, 17 मार्च 1861 को विक्टर इमानुएल संयुक्त इटली का सम्राट घोषित कर दिया गया। अगला जो फैक्ट है इसमें, 20 सितंबर 1870 को विक्टर इमानुएल की सेना ने रोम पर अधिकार कर लिया। जनमत संग्रह के आधार पर रोम इटली के राज्य में विलय कर लिया गया, रोम इटली की राजधानी बनी। अगला जो फैक्ट है इसमें, सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जर्मनी लोगों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई और धीरे धीरे उनमें राष्ट्रीय एकता और संगठन के विचार प्रबल हो गए। अगला जो फैक्ट है इसमें, जर्मन राष्ट्रीयता और एकीकरण में सहायक परिस्थितियां थी बौद्धिक आंदोलन, आर्थिक एकता, सन 1848 की क्रांति और उसका प्रभाव, औद्योगिक क्रांति, फ्रैंकफर्ट में जर्मनी की राष्ट्रीय संसद में जर्मन का सम्राट बनने का निर्णय और एयरफर्ट की स्थापना आदि। अगला जो फैक्ट है इसमें, 1862 ईस्वी में बिस्मार्क को प्रशा के चांसलर पद पर नियुक्त किया गया। तो ये फैक्ट आपको हर हाल में याद कर लेने हैं और एक कॉपी लेकर इन सब फैक्ट को एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि काबुर के अनुसार निम्न देश को इटली से निकाले बिना इटली का एकीकरण असंभव है। तो काबुर के अनुसार जो आपका ऑस्ट्रेलिया देश जो है आपका, इटली से निकाले बिना इटली का एकीकरण संभव है। अगला क्वेश्चन है कि इटली की महान विभूतियों में सर्वोपरि नाम किसका है। इटली की महान विभूतियों में सर्वोपरि जो नाम है वो है गैरिवाल्डी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इटली ने कब युद्ध घोषित किया। तो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इटली ने सन 1859 ईस्वी में युद्ध घोषित किया। ये आपको फैक्ट याद रखना है और क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको जो फैक्ट बताए हैं एक कॉपी में, इन सभी फैक्ट को आप नोट करते चलिए और इन क्वेश्चन को भी एक कॉपी पर आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रोम को इटली के साथ संयुक्त किए जाने के साथ ही इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो ये जो आपका एकीकरण हुआ था इटली का, ये कब पूर्ण हुआ था, 1871 ईस्वी में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है वियना कांग्रेस ने मेटरनिख के नेतृत्व में कितने जर्मन राज्यों को ढीला ढाला संघ बनाया था। कुल 39, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है गाइस, बिस्मार्क को प्रथा का प्रधानमंत्री कब बनाया गया। बिस्मार्क को प्रशा का प्रधानमंत्री कब बनाया गया, तो बनाया गया था 1862 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि स्लेज़विग व होल्स्टीन की समस्या कब उत्पन्न हुई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये जो समस्या उत्पन्न हुई थी सन 1848 ईस्वी में, इस समस्या उत्पन्न हुई थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया प्रसा युद्ध का प्रमुख परिणाम हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया प्रसा युद्ध का प्रमुख परिणाम हुआ। सो गाइस, ऑस्ट्रेलिया प्रसा युद्ध का प्रमुख परिणाम हुआ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक कॉपी पर आप लोग नोट कर लीजिए। जर्मनी का 1/5 भाग प्रसा के अधिकार में। निम्न युद्ध से जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया। तो निम्न युद्ध से जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न जो है ये कब पूर्ण हो गया था? फ्रांस प्रसा का युद्ध होने के बाद। बिस्मार्क ने अपनी नीति, निम्न नीति द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया, रक्त व लौह नीति से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो गाइस, अब आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और एक कॉपी पर इन क्वेश्चन को नोट करते चलिए, क्योंकि इन क्वेश्चन से आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपको क्वेश्चन नोट करना है तो आप वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद का अर्थ है किसी एक समुदाय द्वारा अन्य समुदायों के संदर्भ में अपनी एकता और पृथकता अथवा विशिष्टता और आजादी पर जोर देना। अगला क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण की दो बाधाएं क्या हैं? तो इटली के एकीकरण की दो बाधाएं, इटली के शासकों की पारंपरिक ईर्ष्या और वैमनस्यता, और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व। तीसरा क्वेश्चन है गाइस कि पीडमाट ऑस्ट्रेलिया युद्ध कब हुआ? तो पीडमाट ऑस्ट्रेलिया जो युद्ध है ये 1859 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विला फ्रेका की संधि कब हुई? तो विला फ्रेका की संधि 11 जुलाई 1859 ईस्वी को हुई। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, विला फ्रेका संधि की दो शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त है पोप की अध्यक्षता में इटली के राज्यों का एक संघ बनाया जाएगा। दूसरी जो शर्त थी, परमा मोडेना टस्कनी के राज्य और उनके शासकों को लौटा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गैरिवाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कब किए? तो गैरिवाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार मई 1860 ईस्वी में किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो काबूर की मृत्यु जो है फरवरी 1861 ईस्वी में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के मध्य युद्ध कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कॉपी पर। ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के मध्य जो युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था। रोम का इटली में विलय कब हुआ? तो रोम का इटली में विलय 1870 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस ने जर्मनी को कितने राज्यों में विभक्त किया? तो वियना कांग्रेस ने जर्मनी को कुल 39 राज्यों में विभक्त किया। बिस्मार्क चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क चांसलर 1862 ईस्वी में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी एकीकरण के कितने चरण है? तो जर्मनी एकीकरण के कुल 3 चरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया तथा प्रसा ने डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो ऑस्ट्रेलिया तथा प्रसा ने डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 1866 ईस्वी में की। प्रसा तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य संधि कब हुई? तो प्रसा तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो संधि हुई थी 23 अगस्त 1866 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन, फ्रांस और प्रसा के मध्य युद्ध के दो कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय जगत में फ्रांस की मित्रहीनता। दूसरा जो कारण है स्पेन के रिक्त सिंहासन का मामला, सिंहासन का मामला। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, भारतीय जलवायु की विशेषताएं एवं प्रभाव। तो सबसे पहले आप लोग परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन सभी को देख लीजिए, और एक कॉपी एक पेन ले लीजिए और इन फैक्ट को एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। पहला जो फैक्ट है इसमें, भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, मानसून वे हवाएं हैं जो ग्रीष्म ऋतु के 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 महीने स्थल समुद्र की ओर चलती हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगला जो पॉइंट है, भारत की जलवायु में अत्यधिक विषमता पाई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ थार के मरुस्थल में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि शीत ऋतु में लेह के तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। अगला जो पॉइंट है इसमें, वर्षा के वितरण में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा थार के मरुस्थल में मात्र 10 सेमी वर्षा होती है, जबकि मेघालय में और मनीषराम ग्राम चेरापूंजी में 1354 सेमी औसत वर्षा होती है। अगला जो पॉइंट है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारक हैं, स्थिति, उच्चावच, पृष्ठीय पवने तथा उपरिवर्तनीय वायु धाराएं। तो इतने पॉइंट आपको हर हाल में याद रखने और एक कॉपी पर नोट करते चलना है आप लोगों को। अब आप लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए और एक कॉपी पर नोट करते चलिए। क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत की जलवायु है, तो उत्तरी भारत की जलवायु है मानसूनी।
विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? तो विश्व में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, फिलहाल चेरापूंजी तो अभी नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो कहां पर होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब चेरापूंजी नहीं रहा है। शीत ऋतु में भारत के किस राज्य में वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यून वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में न्यून वर्षा वाला क्षेत्र है थार मरुस्थल। भारत में जाड़ा किस महीने में शुरू होता है? तो भारत में जाड़ा जो है ये नवंबर महीने में शुरू होता है। दिन व रात के उच्चतम न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? तो दिन व रात के उच्चतम न्यूनतम तापमान के अंतर को ताप परिसर कहते हैं। आप लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, और कॉपी पर नोट करते चलिए इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन है गाइस कि जलवायु को परिभाषित कीजिए। किसी विस्तृत क्षेत्र में एक दीर्घ अवधि तक पाई जाने वाली मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। देखिए गाइस, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, तो एक कॉपी में नोट करते चलिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय जलवायु किस प्रकार की है? तो भारतीय जलवायु जो है, भारतीय जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। शीत ऋतु में लेह का तापमान कितना होता है? तो शीत ऋतु में लेह का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस रहता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। मानसून का क्या अर्थ है? मानसून उन हवाओं को कहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु के 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में के 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 4 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु भारत में कब से कब तक रहती है? तो भारत में वर्षा ऋतु जो है, भारत में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है। जाड़े में वर्षा होने वाले दो क्षेत्रों के नाम, तो जाड़े में वर्षा होने वाले दो क्षेत्रों के नाम है तमिलनाडु और केरल। अगला क्वेश्चन, स्थलीय एवं जलीय पवनों में क्या अंतर है? स्थलीय पवने स्थल से जल की ओर एवं जलीय पवने जल जल से स्थल की ओर चलती हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून किस क्षेत्र में वर्षा करता है? तो बंगाल की खाड़ी का प्रबलतम मानसून असम की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा करती हैं। लौटते हुए मानसून से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तट पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारतीय मानसूनी वर्षा की दो विशेषताएं, पहली जो विशेषता है वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता, दूसरी जो विशेषता है वर्षा का विषम वितरण। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? सिंचाई की निश्चित सुविधा वाले क्षेत्रों को छोड़कर भारत में ग्रीष्म ऋतु में खेती के काम रुक जाते हैं, मानसून की बौछारों के साथ खेती के काम धंधे फिर से शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत का सबसे ठंडा जो स्थान है वो है द्रास लद्दाख, भारत का सबसे ठंडा स्थान। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले दो कारकों के नाम, पृष्ठीय पवने, अगला कारक है उपरीतन वायुधारा, जेट वायुधारा किसे कहते हैं? तो जेट वायुधारा ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली पवनों को जेट वायुधारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले दो राज्यों के नाम कौन कौन से? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले राज्य कौन कौन से हैं? दो राज्य, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे कम वर्षा जो है राजस्थान राज्य में होता है। प्रति चक्रवात से क्या समझते हो? प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायु भार होता है जिसके कारण हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात की समदाब रेखाएं गोलाकार होती हैं, प्रति चक्रवातों में वर्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वर्षा से प्रभावित किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए? ग्रीष्मकालीन मानसून हवाओं की दिशा पश्चिमी तट पर दक्षिणी पश्चिमी होती है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। इसकी एक शाखा अरब सागर में और दूसरी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। यह ग्रीष्मकालीन वर्षा लाती है। थार मरुस्थल में यह वर्षा रहित होती है, बंगाल की खाड़ी में अधिक वर्षा होती है। यह आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, सो गाइस, आज मैंने आप लोगों के कुल दो टॉपिक क्लियर करवाए हैं। पहला है राष्ट्रवाद का विकास एवं विश्व युद्ध यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, और दूसरा टॉपिक जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, भारतीय जलवायु की विशेषताएं एवं प्रभाव। तो दो टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।